हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जो बहुत लोग कमेंट करते हैं कि हमें फिनो पेमेंट बैंक का पिन चेंज करने नहीं आता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को आज मैं सिखाता हूँ कि फिनो पेमेंट बैंक का जो एटीएम होता है उसका पिन चेंज कैसे करें, जो आपके बैंक के खाते के पैसे को सिक्योर रख सकते हैं, जो कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए, तो पहले हम प्ले स्टोर पे जाएंगे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद हम सर्च बार में बी पे सर्च करेंगे। बी पे सर्च करेंगे। देखिए, फर्स्ट नंबर पे ही हमारा फिनो बी पे आ गया एप्लीकेशन। मैं इसे इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमें कुछ फीचर्स होते हैं जो रिकॉर्ड करने का अलाउ मांगता है, तो अलाउ हम कर देंगे। पर लोकेशन ये थ्री डॉट पे हम इधर क्लिक करते जाएंगे तीर के निशाने पर, फिर हमारे देखिए रजिस्टर हो करने बोल रहा है, तो हम रजिस्टर करेंगे। यहाँ पर हमारे नंबर मांगा जा रहा है, हम वो नंबर डालेंगे जो हमारे अकाउंट ओपन करने वक्त मांग दिया गया था, मैंने जो दिया था वो वाला नंबर डालना है, तो हम डाल रहे हैं। ये हमारा नंबर है, इस पे OTP आएगा। देखिए दोस्तों, हमने ये OTP डाल दिया, उसी मोबाइल नंबर पे आएगा जिस जो अपने अकाउंट ओपन करने वक्त दिए थे। तो ये हमारा आ गया, मैंने इसे ओपन किया। देखिए दोस्तों, हमारा ये प्रोसेसिंग चालू है। देखिए, हमारे नाम से ये अकाउंट है, इसको क्लिक करेंगे। और प्रोसेड टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे। हमारे जिसमें भाषा रखना हो, जिस भाषा में, इंग्लिश या हिंदी, हम वो सर्च कर लेंगे। तो चलिए हम रखते हैं इंग्लिश। इंग्लिश को क्लिक करेंगे, फिर कंटिन्यू, फिर एम पिन पूछा जाएगा। एम पिन हम अपने हिसाब से रखें जो हमें याद रहे। देखिए दोस्तों, हमारा ये खुल गया एप्लीकेशन। इसके बाद देखेंगे सबसे नीचे हमारा योर कार्ड है लिखा हुआ है, योर कार्ड। ये देखिए, देख रहे हैं, इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए, दो ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। दो ऑप्शन में से हम सब नीचे वाले को चुनेंगे। लिखा हुआ है सेट डेबिट कार्ड पिन, हम इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें दो ऑप्शन मिले। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये कार्ड नंबर आ गया है, CCV नंबर मांगा जा रहा है, तो इसमें हमने CCV नंबर डाल देंगे, फिर एक्सपायरी डेट डाल देंगे, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे पास दो ऑप्शन आए हैं। जो हम पहला नंबर में पिन रखेंगे वही पिन हमें दूसरे नंबर में भी डालना है, तो चलिए हम डालते हैं। उसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, तो हमें कलर पूछा जाएगा, तो कलर हम चुन लेंगे। आप अपने हिसाब से जो कलर रखना हो आप रख लेंगे, हमने ब्लैक चुना।
फिर क्लिक करेंगे, फिर हम इंडिया गेट चुन रहे हैं, आपको जो अच्छा लगे वही आप चुनेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये पहला मैंने चुन चुका था, इसलिए ये कह रहा है कि न्यू पिन इज सेम एज एक्सिस्टिंग पिन, प्लीज इंटर।